मेरा नाम जियाउल करीम है और मैं म्यूजिशियन हूँ और मैंने म्यूजिकोलॉजी पढ़ा हुआ है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से। म्यूज़िक का जो एक जॉनर है हमारा जो फोक म्यूज़िक, इसके साथ सबसे ज़्यादा मैं अटैच हूँ। जगनी ट्रेडिशनल एक फोक इंस्ट्रूमेंट है हंजा वैली का, और इसमें कुछ प्रॉब्लम जिस तरह के थे कि उस इंस्ट्रूमेंट पे सिर्फ फोक म्यूज़िक प्ले करते थे लोग यहाँ पे, और उसकी प्लेइंग रेंज जिसे कहते हैं हम, वो प्लेइंग रेंज उसकी कम थी। तो ये प्रॉब्लम्स मैंने आइडेंटिफाई करके उसके मुताबिक फिर एक पूरा एक सारा प्रोसेस चला उसकी मेकिंग में। तो दो तीन दफ़ा फेल हो गया जो इनिशियल डिज़ाइन से हम करके आ रहे थे एक्सपेरिमेंट्स। तो फेल होने के बाद इन द एंड एक प्रोडक्ट हमें मिल गई। पहले बोव से बजता था, गज जिसे कहते हैं, लेकिन अभी ये पिक से भी बजता है। उस पाथ को चूज़ करने का जो एक इंस्पिरेशन था ना, वो यहाँ का जो हंजा का जो म्यूज़िक है स्पेशली, मैंने यहीं से शुरू किया था। हंजा से स्पेशली कोई पढ़ने के लिए बाहर जाता है, कहीं और जाता है, कोई हायर एजुकेशन हासिल करके आते हैं, आके अपने जो कम्युनिटी है उसमें सर्व करना। तो मैं ये भी अपना एम लिया हुआ है कि मैंने जो सीखा है वो मैं आके यहाँ पे लोगों को सिखा दूँ। बच्चों को जब कोई भी अप्रिशिएट करता है, मतलब किसी भी तरह से, तो एक उसमें जाहिर सी बात है एक खुशी, सही है, एक ऐसी खुशी जो मतलब हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एक फ्रूट, आपका जो मेहनत है ना, वो रंग ला रहा होता है उस टाइम। बस अप्रिसिएशन ये जिससे हमें खुशी मिलती है, स्टूडेंट्स को खुशी मिलती है, और जब कोई लोग आके स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं तो मैं तो बहुत खुश होता हूँ।